हेलो एंड वेलकम टू एसएमएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन स्टूडेंट का कभी सपना हुआ करता था कि वो भी कभी ना कभी आईआईटीज या फिर एनआईटीज में जाएंगे और वहां से अपना पढ़ाई जारी रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी रीज़न के वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। ट्वेल्थ के बाद उन्हें कोई भी आईआईटीज या फिर एनआईटीज नहीं मिला, और अगर वो अभी बीएससी कर रहे हैं या फिर बीएससी पास कर चुके हैं तब उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यार। वो अभी भी किसी ना किसी टॉप लेवल ऑफ आईआईटीज में जा सकते हैं या फिर एनआईटीज में जा करके अपना पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं। आप आईआईटीज या फिर एनआईटी से अभी भी एमएससी कर सकते हो यार। उसके लिए आपको सिंपल सा एक एग्ज़ाम है, नाम है आईआईटी जैम, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है या फिर बीएससी फाइनल ईयर में आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हो। जैम का मतलब क्या? ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। मास्टर डिग्री के लिए आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप किसी एक टॉप लेवल आईआईटी में जा सकते हो या फिर एनआईटीज में जा सकते हो और वहां से आप अपने एजुकेशन को परस्यू कर सकते हो। अब यार बात ये आता है, आपके मन में एक सवाल जरूर ये आ रहा होगा कि आपने ट्वेल्थ के बाद ऑलरेडी 3 साल ग्रेजुएशन को दिए और अभी अगर आप मास्टर करने जाओगे तब आपको 2 साल और देना पड़ेगा, तो इसका क्या गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगा वहां से? क्या वहां पर प्लेसमेंट आते हैं? क्या सच में अच्छे लेवल ऑफ पैकेज आपको मिलेंगे अगर आप आईआईटीज या फिर एनआईटी से मास्टर करते हो? और अगर मिलेंगे भी तो कौन से टॉपिक वाले बच्चों को मिलेंगे? क्या मैथमेटिक्स वालों को मिलेंगे? क्या इकोनॉमिक्स वालों को मिलेंगे? क्या बायोटेक्नोलॉजी वालों को मिलेंगे? किनको मिलेंगे? कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अच्छे पैकेज लगते हैं? तो यार इसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे, लेकिन इस टॉपिक को हम वीडियो के एंड में टच करेंगे ताकि आपको इस एग्जाम के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी रहे, उसके बाद आप प्लेसमेंट के बारे में सोचोगे, राइट? चलिए सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कि आप अगर एमएससी करने जाओगे आईआईटी जेम के थ्रू किसी भी एक आईआईटीज या फिर एनआईटीज में, तब आपको कौन कौन से टॉपिक से आप एमएससी कर सकते हो। सबसे पहला टॉपिक है यार मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स से एमएससी कर सकते हो, और मैथमेटिक्स जैसे टॉपिक आया तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वो है कि अगर आप हायर मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर अभी आप हायर स्टडीज में हो, मैथमेटिक्स टॉपिक है आपका, तब आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस चैनल में आपको बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के मोस्टली वीडियो लेक्चर्स फ्रीली अवेलेबल है, आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट है आपका टॉपिक मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स। स्टैट बैकग्राउंड वाले भी इस एग्जाम को टैकल कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं और आईआईटीज में जाके एमएससी कर सकते हैं। फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले, जियोलॉजी वाले, इकोनॉमिक्स वाले और बायोटेक्नोलॉजी, ये सारा टॉपिक में आप एमएससी कर सकते हो किसी एक अच्छे आईआईटीज में, राइट? नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका सिंपल है यार, आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। अगर आप फाइनल ईयर में हो तब भी आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो, राइट? वो जितने भी फाइनल मार्कशीट वगैरह है वो कुछ दिन बाद वो आप अगर दे दोगे इंस्टीट्यूट को तो वो मान जाता है, राइट? तो फाइनल ईयर वाले भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो परसेंटेज है मिनिमम 55% होना जरूरी है। किसके लिए? ओबीसी और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और अगर आप एसटी एससी में बिलोंग करते हो सिर्फ और सिर्फ 50% में आपका काम बन जाएगा। एक बात ध्यान रखना यार, ये जो मैंने क्राइटेरियाज बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ आईआईटीज के लिए है, और जब आप एनआईटीज में एडमिशन लेने जाओगे तब इस क्राइटेरिया को आप 5% को ऐड कर सकते हो, राइट? एनआईटीज वाले कभी कभी 5% ज्यादा आपसे मांग सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, आईआईटीज और एनआईटीज दोनों मिलके कंडक्ट करते हैं इस एग्जामिनेशन को, या इसीलिए इसका नाम है ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। अब आईआईटीज में एडमिशन कब होता है और एनआईटीज में एडमिशन कब होता है? जब भी आपका एग्जामिनेशन होता है, कुछ आपको रैंक्स मिलते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, तो जो भी टॉप 600 या फिर टॉप 700 स्टूडेंट्स होते हैं, जनरल और ओबीसी का मैं बात कर रहा हूँ, उनको आईआईटीज मिलते हैं और बाकी जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको एनआईटीज उनके रैंक के हिसाब से मिल जाते हैं। और एसटी एससी वालों के लिए आप 200 या फिर 400 रैंक को इंक्रीज कर सकते हो कि उनके लिए आईआईटीज मिल जाएंगे, और एनआईटीज भी उसी तरीके से मिलते हैं। अब यार अगर हम बात करें इसका एप्लीकेशन फॉर्म का, तो एप्लीकेशन फॉर्म हर साल हमें सेप्टेम्बर और अक्टूबर के बीच में देखने को मिल जाते हैं, यानी कि सेप्टेम्बर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एप्लीकेशन फॉर्म हमारा रिलीज हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद में एडमिट कार्ड भी हमारे दिसंबर तक देखने को मिल जाते हैं, और साथ में एग्जामिनेशन का अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन भी हमारा फरवरी को हो जाता है, सेकेंड संडे को।
सेकेंड वीक में ही मोस्टली एग्जामिनेशन होता है। जब हमारा गेट एग्जाम होता है सिमिलर टाइम में, एग्जैक्ट गेट एग्जाम अगर फर्स्ट वीक में हो फरवरी का, तो ये सेकेंड वीक में अराउंड उसी सेकेंड वीक के अराउंड अरेंज हो जाता है हमारा एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट देखिए रिजल्ट, रिजल्ट कब आता है, रिजल्ट इसका फिक्स है कि वो मार्च में रिलीज करेगा, सेकेंड वीक या फिर थर्ड वीक में, राइट। और अगर हम बात करें एडमिशन का, आईआईटीज या फिर एनआईटीज में आपको एडमिशन किस पीरियड में मिलेंगे, वो होगा मई से जुलाई तक के बीच में, मई से जुलाई तक के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हो। अब एक बोनस टिप मैं आपको बताता हूँ, बोनस टिप हमारा ये है, जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी जेई मेन या फिर एडवांस दे चुके हो, आपको पता है यार वहां का कंपटीशन लेवल काफी ज्यादा हाई होता है। बट इस एग्जाम का खासियत यह है कि इस एग्जाम के बारे में उतना ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, और इसीलिए इसका यार कंपटीशन लेवल कंपेरेटिव टू जेई मेन या फिर एडवांस काफी ज्यादा लो है। आप ये कंसिडर कर सकते हो यार कि हर 12वें बंदे में से एक बंदे को आईआईटीज मिल सकता है इस एग्जामिनेशन के थ्रू, और सिमिलरली आप कंसिडर कर सकते हो हर 10वें बंदे में से 4 बंदे को यार एनआईटी मिल सकता है। ये चीज आप कंसिडर कर सकते हो, काफी इसका जो कंपटीशन होता है बहुत ही ज्यादा लो होता है। और इसके जो कटऑफ जाते हैं यार, अगर आप कटऑफ का बात करो तो कटऑफ 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होता है, और कटऑफ हमारा मोस्टली 25 मार्क्स का रहता है, मोस्टली 25 मार्क्स का। ये मैं मैथमेटिक्स का बात कर रहा हूँ, राइट। बाकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनका हमारा कटऑफ वेरी कर सकता है, बट अराउंड इतने ही रहने के चांसेस रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो सबसे ज्यादा मेन पार्ट है यानी कि प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। प्लेसमेंट में किस तरह के कंपनीज आते हैं, सबसे पहले उस बारे में बात कर लेते हैं। यार देखिए, कंपनीज आपके आएंगे या तो आईटी कंपनीज आएंगी या तो एडटेक कंपनीज आएंगी, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं, और जो भी स्टार्टअप्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे प्लेसमेंट के लिए आते हैं। तो जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो इन चारों में एलिजिबल हैं, इन चारों में वो जाके इंटरव्यू दे सकते हैं और प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। और मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, जो भी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग लेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज हैं। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला टॉपिक आपको चूज करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल आईआईटीज और एनआईटीज में ही ये टॉपिक आपको मिलेगा। अगर आप मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एमएससी करते हो, जैसे कि आईआईटी गुवाहाटी हुआ, एनआईटी वारंगल हुआ, और भी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज और एनआईटीज है जहां पे ये टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है, अगर आप यहां से इस टॉपिक को लेके एमएससी करते हो तो मोस्टली चांसेस है कि आपको आईटी कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाएगा अच्छे पैकेज के साथ। अगर आप आईटी कंपनीज का बात करो, हाईएस्ट पैकेज यार जितना मैंने देखा है 30 लाख पर एनम तक गया हुआ है, और जो भी एवरेज पैकेज का अगर हम बात करें तो लगभग 10 to 11 lakh आप आईटी कंपनीज के बारे में कंसिडर कर सकते हो। और अगर हम एडटेक कंपनी का बात करें तो एडटेक कंपनी में कौन से कंपनीज आते हैं, जैसे आपका अनअकैडमी हो गया, वेदांतु हो गया, बायजूस हो गया, कुछ इस तरह के कंपनीज आ सकते हैं और वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं 6 to 7 lakh पर एनम, राइट। और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया लाइक आकाश इंस्टीट्यूट हो गया, और कोई भी रीजनल आपके इंस्टीट्यूट आके कैंपस प्लेसमेंट कर सकते हैं, वो भी आपको लगभग 7 to 8 lakh पर एनम को आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो भी स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप यार किसी भी फील्ड के बंदे को चूज कर सकते हैं अगर उसमें टैलेंट है, अगर उसको कोडिंग वगैरह आता है, तो यार स्टार्टअप्स जो होते हैं वो मोस्टली थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आपको दे सकते हैं, और साथ साथ में इसमें आपको शेयर वगैरह भी मिलने के चांसेस रहते हैं, स्टॉक्स वगैरह भी आपको मिल सकते हैं इस स्टार्टअप के। अब बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के, जैसे कि हमारा फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, राइट, नेक्स्ट हमारा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, इनके लिए मोस्टली प्रीफर होता है एडटेक कंपनीज और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट के लिए भी आप कह सकते हो एडटेक कंपनीज आती हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट, कभी कभी कोई स्टार्टअप उन्हें भी हायर कर सकता है। तो यार मोस्टली चांसेस अगर आप देखा जाए तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले को या फिर मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड वालों का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होता है कि उन्हें एक अच्छा लेवल ऑफ प्लेसमेंट मिल जाए गुड पैकेजेस के साथ। आपको करना क्या है, आपको सिंपली रिसर्च थोड़ा करना है। रिसर्च में आप देखो यार कौन कौन से आईटीज में से ज़्यादा प्लेसमेंट जा रहे हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है मैथमेटिक्स स्टूडेंट वालों के लिए कि टॉप 6 आईआईटीज और टॉप 6 एनआईटीज जहां पर अच्छे लेवल ऑफ प्लेसमेंट मिलता है और पैकेजेस भी जहां पे थोड़ा हाई होता है, तो यार आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यार ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए,
अगर आप मास्टर करना चाहते हो किसी आईटीज या फिर एनआईटीज में, तब आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और प्लेसमेंट भी ले सकते हो अच्छे पैकेजेस के साथ में, राइट। और साथ साथ में आप किस आप में एक टैग भी लग जाएगा कि यार इसने मास्टर कर रखा है आईटीज या फिर एनआईटी से, तब आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह को भी खुद से अप्रोच कर सकते हो। तो यार ये था आज का वीडियो, आई होप आपको आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो एक लाइक कर देना और साथ में कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर शेयर करना क्या ये रियली आपके लिए हेल्पफुल रहा है ये वीडियो।